यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। आए थे यहाँ, विजिटर हैं, हम आए नमाज पढ़ने। हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर, तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। विकास की बात छोड़िए ना, हर किसी का राइट को दबा दिया गया। वाराणसी पूरी बदल दी, कहाँ बदल, हम लोग के एरिया में चले जाइए, एकदम आप लोग चलने लायक नहीं है। ये मस्जिद और मंदिर के नाम से सब बढ़िया विकास हुआ है, बस मंदिर और मस्जिद के नाम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुषमा। इस वक्त हम हैं काशी विश्वनाथ धाम पर, गेट नंबर 4 आप इधर देख रहे होंगे, और इधर ये है ज्ञान व्यापी मस्जिद। एक तरफ बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है, दूसरी तरफ इस ज्ञान व्यापी मस्जिद में नमाज अदा होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम यहाँ नमाज अदा करने वाले नमाजियों से भी बातचीत करें, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि काशी बदल रही है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर और भव्य हो रहा है, तो ज्ञान व्यापी में नमाज पढ़ने वालों का क्या कहना है। सर एक मिनट जी, अपना नाम बताइए दादा। मोहम्मद शकील। शगीर साहब, अभी आप लोग नमाज करके आ रहे हैं जी? अच्छा, ज्ञान व्यापी मस्जिद में जी। करीब कितने लोग रोजाना नमाज अदा करते हैं? इधर साइड में आ जाइए। कम से कम कोई वो आदत नहीं है, सब भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ये है। अभी फिलहाल 100 आदमी सही गए। अच्छा, 100 करीब लोग थे। ये बताइए कि काशी बदल रही है, वाराणसी कह रहे हैं कि बिल्कुल बदल गई, आपको लग रहा है बदलाव है? अब ये सब कहना मैडम बेकार है, हाँ ये सब हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बस के रोड तक है, ये मंदिर तक है, आओ गलियों कूचे में कहीं कुछ नहीं है, कोई निकाम नहीं, चाहे वो कोई हो, हाँ सांसद जी हो, चीफ मिनिस्टर जी हो। अब बगल में गली में आप चले जाइए, माना कर लीजिए, दाल मंडी के पास देख लीजिए आप क्या हालत है उसकी, सब ऐसा ही है, कोई विकास नहीं, बस ये जो कुछ है फोकस यही सब है बस। सर आपका नाम क्या? इधर आइए, थोड़ा रोड से इधर आ जाइए, गाड़ियाँ चल रही हैं। नाम बताइए दादा। शौकत अली जी, आपको भी लगता है कि विकास सीमित रह गया है जो सर कह रहे थे? विकास तो सीमित ही है, बस मंदिर और मस्जिद तक ही, यही मुद्दा लेके आप चल रही हैं और इसी पे जो है विकास आप लोग का हो रहा है। अच्छा, और बाहरी आप देख लें, रोड की हालत देख लें आप, फिर उसके बाद आप समझें कि क्या हो रहा है। आप अगर बगल में ही गली में आप चली जाएं, देखिए पूरा मनोल बह रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं है कि खाली बस। इसके पीछे जाइए आप देख लीजिए खुद ही, हाँ आपके सामने मंदिर का नहीं हो रहा सर, वो विकास हो रहा है। आप उधर चलो, भाई पुलिस को बुलाइए प्लीज, जिसके बाद यहाँ गाड़ी छोड़ दीजिए। आप क्या कह रहे थे कि इस मार्केट के पीछे जाके देख लीजिए, खत्म हो जाएगी बात, सामने आ जाएगा आपके। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बिलाल अहमद। बिलाल जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि वाराणसी पूरी बदल गई है, काशी पूरी बदल गई है। ऐसी बात तो नहीं कि वाराणसी पूरी बदल गई है, आप जो देख रहे हैं आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि वाराणसी पूरी बदल गई है, कहाँ बदल, हम लोग के एरिया में चले जाइए, एकदम आप लोग चलने लायक नहीं है। ये मस्जिद और मंदिर के नाम से सब बढ़िया विकास हुआ है, बस मंदिर और मस्जिद के नाम से, बस इसी इलाके में, हाँ विकास हुआ है। मतलब ये मस्जिद और मंदिर के एकता बनाने के लिए यहाँ विकास रोड पे दिखाएं, आपको रोड पर चले जाएंगे पूरा विकास है, मगर हम लोग के गली में अंदर चले आइए, मार्केट में चले आइए, एकदम कोई भी। बिलाल जी हम आएंगे, दाल मंडी इलाके की तरफ की बात करें, बिल्कुल हम आएंगे, ठीक बिल्कुल राजापुर, ठीक सब मतलब दाल मंडी राजापुर, राजापुरा दानगरी पीछे है, और जो का नाम की बड़ी बाजार जैतपुरा वगैरह पूरा गलियों का पूरा इलाका देखिए, बस्तियों का, तब आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा विकास है, बाकी जो मतलब नहीं विकास, खाली रोड का होगा, मस्जिद का मंदिर का विकास हुआ और कुछ भी नहीं। आपका नाम क्या है? ये अंसारी, अब्दुल हमीद अंसारी। अब्दुल हमीद अंसारी। आप सब लोग रोज के नमाजी हैं यहाँ ज्ञान व्यापी में? रोज की नमाज, हाँ पांचों वक्त है, पांच वक्त की नमाज, हाँ जी। तो देखिए पांच वक्त की नमाजी, हम कोलकाता से आए थे यहाँ, विजिटर हैं, हम आए नमाज पढ़ने। हमको तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर,
तो आई कैन सी द थिंग्स, आई फील द पेन, यू नो। आपका नाम क्या है? नौशाद आलम। नौशाद आलम, तो मस्जिद को पूरा ढक दिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कैन यू सी द मॉस्क? आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई फील द पेन, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। हाउ कैन यू ऑल जस्ट हाइड द फैक्ट्स? हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों से बात, दिस इज कोशिश, यू ऑल शुड सी ना व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हम आपके जरिए तो बात पहुंचाएंगे ना। इट्स नॉट टॉलरेंट, द पीपल आर लाइक मिसगाइडेड दैट वी आर डूइंग व्हाट एंड वी सीइंग व्हाट। आई वेंट टू प्रे द मॉस्क। हिंदी में बोलेंगे तो हमारे में बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीज को दबाया जा रहा है, एक चीज को ढक दीजिए, दूसरे चीज को पूरा खोल दीजिए, ऐसा होता है क्या कहीं? हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, संविधान में सबको बोला गया बराबर हक है, किसी का हक को आप दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार आए हैं और इस मस्जिद में पहली बार मैंने नमाज अदा की है। देख के जो दुख हुआ है, मैंने 40 साल की जिंदगी में ये दुख कभी मैंने उठाया नहीं था। इमोशनल हो गए आप एकदम। एक मिनट रुकिए ना, आप परेशान मत होइए। तो आपको लग रहा है कि एक तरफा विकास हो रहा है, एक तरफा बात? विकास की बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया है। ये अभी आपको लग रहा है कि इस समय ज्यादा हो रहा है ये पहले? आई डोंट वांट टू स्पीक मोर। ठीक है, वो काफी भावुक हो गए। नहीं बात, एक मिनट दादा, आपका नाम क्या है? जी अनीसुर रहमान। आप क्या कहेंगे कि क्या जैसे वो बोल रहे थे कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वैसे ही है? जी मैडम, बात तो इस सच है कि मतलब जैसे कि एक चीज के लिए दूसरे चीज के लिए जो है हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसमें कुछ करवाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये आप देख लीजिए जाकर कि क्या हम लोग के लिए सुविधा हुई है। आप लोग भी रोज नमाज अदा करते हैं? जी रोज डेली यहीं आते हैं? जी। पांचों टाइम? नहीं, पांच टाइम नहीं, एक टाइम आते हैं, बाकी और जिधर रहते उधर अदा करते हैं। अच्छा, तो ये रोज के नमाजी हैं। सर एक मिनट इधर आ जाइए। बाबा आपका नाम क्या है? किफायत अली खान। हाँ, किफायत अली खान। किफायत अली खान, तो किफायत साहब इधर आ जाइए प्लीज, उधर गाड़ियाँ चल रही है ना, तो ये बताइए किफायत जी, आप शुरू से यही रह रहे हैं? हाँ यही रह रहे हैं जी। कितने साल हो गए? हमारे जब से पैदा हुए तब से। कितनी उम्र हो? 70 की। 70 की, 7 दशक आपने देखे। इन 7 दशकों में ज्ञान व्यापी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, काशी, इन सब में कितना परिवर्तन आपने? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, अब इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रहेगी। हिंदू मुसलमान का मामला सब कर दिया लोगों ने, एक दूसरे की मोहब्बत खत्म कर दी। एक मिनट सर, बात कर लेने दीजिए ना, आप लोग ऐसे नाराज क्यों? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? अरे किस बात की नाराजगी? अरे आप लोग किस बात की नाराजगी है? तो देखिए, यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद से निकले कुछ नमाजी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उसमें एक युवा जो वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आए हैं, वो काफी इमोशनल हो गए और वो कहते हैं कि उनके राइट्स, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और उनका ये कहना है कि उनके साथ गलत हो रहा है। कई सारे नमाजी थे, उनका कहना था कि विकास हो रहा है लेकिन सिर्फ मंदिर के आसपास। उन्होंने ये कहा कि हमारे इलाकों में आके देखिए कि हकीकत क्या है। तो हमने नमाजियों की बात सुनी है और हमारी कोशिश होगी कि उन इलाकों में भी जाएं जिनकी बात वो कह रहे थे, वहां पर क्या हकीकत है वो आप तक पहुंचाएं। देखते रहिए यूपी तक।